नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक से में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है तब से लोगों को अपने डाटा की सिक्योरिटी की चिंता रहती है कि व्हाट्सएप के साथ उनका डाटा सिक्योर रहता है या नहीं सिक्योर रहता है। इसलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है संदेश। दोस्तों इसे NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। दोस्तों ये एप्लीकेशन अभी तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको एंड टू एंड इनक्रिप्शन का सपोर्ट मिल जाता है जिससे आपका डेटा सिक्योर रहता है और आपका डेटा लीक नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं इस एप्लीकेशन के अगले फीचर्स की। तो इस एप्लीकेशन में आप वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको इंस्टेंट चैटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको अपनी फाइल्स जैसे कि वीडियो ऑडियो फ़ोटोज़ इन सबको सेंड करने का ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए आप अपने दोस्तों को अपनी फाइल वीडियोज़ फ़ोटोज़ जो भी हैं सेंड कर सकते हैं। बात करते हैं इस एप्लीकेशन के अगले फीचर की। तो इस एप्लीकेशन में आपको ग्रुप्स बनाने का ऑप्शन दिया गया जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों सबको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस एप्लीकेशन के अगले फीचर की। तो इस एप्लीकेशन में आपको ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसके जरिए आप अपना कोई एक मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। दोस्तों बात करें इस एप्लीकेशन के अगले फीचर्स की। तो इसमें आपको टैग्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी चैट में कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटो डिलीट कॉन्फिडेंशियल और प्रायोरिटी जैसे टैग दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी चैट में कर सकते हैं। बात करें इस एप्लीकेशन के अगले फीचर्स की। तो इसमें आपको इमोजीज का जगह इमोजीज दिया गया है जिनका यूज आप अपनी चैट में कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो ये एप्लीकेशन आपको प्राउड टू बी इंडियन मूवमेंट वाली फीलिंग देता है। दोस्तों आने वाले समय में ये एप्लीकेशन अपडेट्स के साथ और भी नए नए फीचर्स लेके आएगा। दोस्तों बात करें इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो बाकी सारे एप्लीकेशन की तरह इसमें भी आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा और उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको फिल करना है जिससे आपका इसमें अकाउंट बन जाएगा और आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में इस एप्लीकेशन के यूजर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उससे हर किसी को डर लग रहा है कि उसका डाटा लीक ना हो जाए। इसलिए दोस्तों आप भी इस एप्लीकेशन पर स्विच कर जाएँ और अपना डेटा बचाएँ। इसलिए दोस्तों आप इस एप्लीकेशन पर स्विच करें और एक इंडियन मैसेजिंग ऐप को भी आगे बढ़ने का मौका दें और अपने आप को प्राउड टू बी इंडियन मूवमेंट वाली फीलिंग दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। दोस्तों मैं आपसे फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।